फ्रेंड्स वेलकम एंड टू नव क्लासेस। आज ओपन डिफेंस था महक मैम का आपके लिए। मेरी जो बुक है इसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट है पर्पल वाली, ठीक है। लेटेस्ट बुक आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन मैंने जो लिंक दिया उससे। एंड ये जो है आपके क्वेश्चन बैंक, इसमें 2018 से 22 तक के क्वेश्चन है, 23 वाली अलग आएगी, लेकिन आप 22 तक के लिए इसको ले सकते हैं। 7500 क्वेश्चन इस ग्रीन वाली में, पेपर वन। पेपर टू कॉमर्स की एक ही बुक है जिसमें कंसेप्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ आपको मिल जाएगा। शी वेट फॉर ऑफिशियल यू नो नोटिफिकेशन कि यस उनका PhD कंप्लीट हो गया है एंड शी सक्सीडेड इन ओपन डिफेंस। ऑल्दो उनको इनफॉर्मल अभी मिल गया है कि यस इट इज़ कम्प्लीट, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। मेनली जो सुपरवाइजर बाहर से आते हैं, एक्सपर्ट्स बाहर से आते हैं, उन्होंने क्वेश्चनिंग किया था एंड शी वॉज एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड ऑडियंस से पूछा किसी को कुछ पूछना है तो ऑडियंस से तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, हमने हम तो अच्छे वाले बच्चे हैं, टांग खिंचाई नहीं करते, इसलिए फिजिक्स की क्लास लेके जा रहे हैं हम सब। इट वॉज ग्रेट डे फ्रेंड्स, ये देखो नज़ारे। आज एक वाइवा बॉस था मेन, तो उसकी एक्साइटमेंट थी, और दूसरा रिसर्च एथिक्स की क्लास थी, तो एथिक्स में वही पढ़ा हमने, प्लेजरिज्म, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, आप सबको आता है ना। वहाँ कुछ वही को स्कॉलर्स स्टूडेंट्स भी मिल गए, कह रहे आपका तो रिसर्च इतना स्ट्रॉन्ग है, आप क्यों क्लास ले रहे हो। मैंने कहा अटेंडेंस भी चाहिए फिर भी कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ही मिलता है। चलो, और बाकी यही पढ़ा कि अनएथिकल मिसकंडक्ट्स क्या क्या होते हैं और एथिक्स में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं बेसिक। अभी आज तो फर्स्ट क्लास थी इसलिए। सो थैंक यू सो मच इफ़ यू लाइक द क्लास, क्लास बताओ ये भी क्लास है, इफ़ यू लाइक द व्लॉग एंड द वाइवा बॉस, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट इन लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। क्योंकि वाइवा बॉस दूसरों का सीखने से अल्टीमेटली आपका जो इंटरव्यू होता है, अगर आपने एडमिशन नहीं दिया अभी, तो उसमें भी इसी तरीके की क्वेश्चनिंग होती है, और ऐसे ही आपको अपना एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप कैसे रिसर्च करोगे। वाइवा बॉस में होता है कि हमने क्या क्या किया, ठीक है, तो ये होता है। ओके थैंक यू, स्टे ब्लेस, हैव अ नाइस टाइम, ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। नाव को प्यास लग रही है, कहाँ से पानी पी लिया।